नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आपको पता होगा आज 26 जनवरी 2021 और आज अपनी जो फेवरेट कार है टाटा की सफारी, वो लॉन्च होने वाली थी, जो कि कंपनी ने लॉन्च कर दी गई है। और आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट में से लुक और रियर में से लुक काफ़ी बेस्ट कार लगती है मुझे तो ये अभी। और लुक भाई कसम बहुत बेस्ट बना दी है। अगर आपको भी इसकी लुक पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और बताएं आपको लुक कैसी लग रही है। तो दोस्तों ये है टाटा सफारी, जो कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दी है, A to Z सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं और अब इसके इंटीरियर में भी सुधार हो गया है। और देखते हैं लोगों को पसंद आती है ये कार और लोग इसको कितना रेट बढ़ाते हैं या पहले की तरह इसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि पहले लोगों ने खरीदी नहीं ये कार और उस वजह से कंपनी को बंद करनी पड़ी। तो दोस्तों अब ये कार बहुत मस्कुलर लुक में लग रही है, मुझको तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, हैरियर की सी हैरियर जैसी लग रही है। और इसके इंटीरियर में अब आपको बहुत काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और स्पेस बहुत बढ़ा दिया गया है और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और 8 इंच का इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कार प्ले से। और मस्त कार लग रही है अभी है और बेस्ट लग रही है। इसमें JBL के साउंड सिस्टम आएंगे जिसकी आप आवाज़ सुन ही सकते हैं कितनी बेस्ट आवाज़ आने वाली है। और इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध होगी यह कार। और स्पेस इसमें 7 सीट का है, तो 7 सीट 4 सीट कैप्टन सीट है, जो 2 पीछे की सीट है वो भी कैप्टन सीट है, और जो लास्ट की 3rd row सीट है वो नॉर्मली सीट है, लेकिन उसमें भी आपको। तो दोस्तों इसका इंटीरियर आपको बहुत प्रीमियम मैस फील कराएगा और इसमें सनरूफ भी आती है। और दोस्तों अगर आपको टाटा की कार पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों टाटा जानी जाती है अपनी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग है जो कार की वो काफ़ी बेस्ट आती है। और बिल्ड क्वालिटी टाटा की इतनी बेस्ट है कि कोई भी कार कंपनी इसका तोड़ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो भी इस टाटा की कार से टकराती है अगर जो दूसरी कार होती है उसको ही कुछ नुकसान होता है, टाटा की कार में बहुत कम नुकसान होता है। ये आपको बेस्ट पॉइंट मिल जाता है टाटा की कार में जो कि बिल्ड क्वालिटी का है। और 5-स्टार रेटिंग देखते हैं ग्लोबल के एंडस्कैप के द्वारा कितनी इसको रेटिंग मिलती है सेफ्टी रेटिंग में। ये एल्ट्रोज की तरह पहले से ही 5-स्टार रेटिंग ली आती तो काफ़ी बेस्ट होता, लेकिन अब टेस्ट होने के बाद देखते हैं। और इसमें आपको 3 मोड मिल जाएंगे, ड्राइव मोड, रफ मोड और सिटी मोड, उसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं और गाड़ी की एवरेज वगैरह बढ़ा सकते हैं। और इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा जो चार्ज, 3rd row में भी 12 वोल्ट का सॉकेट है, 2-5 इसमें सॉकेट मिलेंगे हर साइड को। और दोस्तों ये कार अब बहुत चेंजेस कर दिए हैं, बहुत चेंजेस मेरे हिसाब से तो सारी कार बदल दी है इसमें, बिल्कुल चेंज कर दिया है। पुरानी सफारी को लगा देखोगे और इस नई सफारी को देखोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बहुत चेंजेस किया है। और अब इसका इंटीरियर इतना प्रीमियम लग रहा है मुझको तो, अगर आपको भी प्रीमियम लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जो स्कॉर्पियो आती है स्कॉर्पियो से तो अब बेस्ट ही लग रही है ये कार, क्योंकि स्कॉर्पियो से बहुत अच्छी दिख रही है और इंटीरियर वगैरह सब कुछ बेस्ट दिखा रखा है कार का। और देखते हैं लोगों की पसंद आती है या नहीं आती, अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताएं। और इसमें JBL का जो साउंड सिस्टम है वो तो आपको पता ही, JBL वैसे ही नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको JBL के साउंड सिस्टम बहुत बेस्ट फील कराने वाले हैं, एक अलग ही मज़ा आने वाला है इस कार को चलाने पर। और फुल SUV कार है भाइयों ये, और अगर आपको पसंद है तो भाई बहुत अच्छी पसंद है आपकी, क्योंकि ये कार अब देखते हैं लोगों की पसंद बनती है या क्या नाम पाती है। टाटा एल्ट्रोज तो अच्छा नाम चला रही है टाटा का, और नेक्सॉन जो कार है उसकी भी काफ़ी पकड़ बना ली है टाटा ने। तो दोस्तों अब देखते हैं सफारी का नंबर है, सफारी आज ही लॉन्च हुई है 26 जनवरी को, तो आपको पता है काफ़ी अच्छी कार है और 7 सीटर आएगी। देखते हैं स्कॉर्पियो
कि ज़्यादा रीसेल स्कॉर्पियो ज़्यादा बिकती है या सफारी। इसमें आप देख सकते हैं डोर में भी क्रोम का यूज किया गया है और ड्यूल टोन इंटीरियर है। एक तो वाइट ग्रे का सा कलर है और एक ब्लैक कलर है जो कि आपको अलग ही दिख रहा है। अभी अभी बेस्ट लग रहा है मुझे तो ये कलर। और दोस्तों इसमें बीच में आर्म रेस्ट भी दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है, और जो पीछे की सीट है वो पावर की सीट है जिसको आप पावर से सेट कर सकते हैं। पावर जो सीट बोलता है, जो बटन टच करते ही बटन से आगे पीछे हो जाती है सीट। और इस ये तो दोस्तों MG का है स्टोरियो, लेकिन ये भी बेस्ट है। और ये MG इनकी हेक्टर से भी कंपेरिजन कर सकते हैं इस कार का। MG की हेक्टर काफ़ी बिक रही है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस की कार है। MG हेक्टर जो कि अब टाटा की सफारी से कंपैरिजन इसका होने वाले लाए कुछ ही दिनों में, क्योंकि दोनों बराबर की कार हैं। और XUV500 ये कार से भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप इसका। काफ़ी अच्छी लग रही है ये कार। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टार्टर की सफारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी से रिलेटेड और भी गाड़ियों की से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।